हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑटोमोबाइल की दुकान में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेयरिंग के बारे में कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जब आप ऑटोमोबाइल की शॉप खोलते हैं, तो उसमें सबसे पहले होता है कि बेयरिंग का ध्यान होना। बेयरिंग यानी कि एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया है किसी भी ऑटोमोबाइल और एक व्हीकल के लिए, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा सबसे महंगा बेयरिंग, जो कि बहुत ही सब लोग ज़्यादा मिस्त्री लोग और मैकेनिक सबसे ज़्यादा प्रीफर जो करते हैं वो NBC का ही बेयरिंग करते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और सबसे ज़्यादा चलने वाला बेयरिंग होता है, ठीक है। सस्ते बेयरिंग भी आते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा NBC बेयरिंग के बारे में, ठीक है। NBC बेयरिंग कितनी कैटेगरीज के आते हैं, उसको कैसे पहचानते हैं, उससे किस तरीके से आप यूज़ ले सकते हैं, ठीक है, और कस्टमर को क्या रेट में बेचेंगे और क्या रेट में आया है, ठीक है। IU रेट में आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ठीक है। IU रेट का अगर आपको जानना है तो मेरे कोर्स को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे कि देख सकते हैं, बेयरिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बॉल बेयरिंग और एक होता है टेपर्ड बेयरिंग, ठीक है। बॉल बेयरिंग, टेपर्ड बेयरिंग, अब ये जो बेयरिंग है ये टेपर्ड बेयरिंग है, ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ है 32209, 32209 मतलब कि आपके पास जब कस्टमर आ रहा है, ठीक है, वो लेके आएगा कस्टमर अपना पुराना बेयरिंग, उसके ऊपर नंबर लिखा होगा 32209, ठीक है। अगर 32209 लिखा हुआ है इसका मतलब ये बेयरिंग 32209 वाला लगेगा और आपको 32209 नंबर का बेयरिंग निकाल के उसे देना है, ठीक है। तो अब आपको बता देता हूँ टेपर बेयरिंग किस तरह का आता है, ठीक है। ये आपके लिए मैंने खोलना नहीं होता ऐसे, मैं फिर भी खोल के बता रहा हूँ आपको, ख़राब होते बेयरिंग खोलने से, ठीक है। ये बेयरिंग होता है टेपर बेयरिंग, जो ये बाहर निकलता है, ये है टेपर बेयरिंग, ठीक है, ये टेपर बेयरिंग, और इस बेयरिंग के यहाँ पे भी 32209 लिखा होगा, ये देख पा रहे हैं, ठीक है। ये है टेपर बेयरिंग, ठीक है, ये टेपर बेयरिंग हो गया। ये NBC के बेयरिंग होते हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं, बट एनीवेज आप लोगों को बताने के लिए मैंने पैकेट खोल लिया। अब इतना तो बनता है अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कि उन्हें ये तो बताया जाए कि बेयरिंग कौन कौन से तरीके के आते हैं और क्या आता है उसमें, ठीक है। और अब बताता हूँ मैं आपको बॉल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग जैसे कि आप देख सकते हैं ये 63032 63 से जो भी चालू होते हैं वो होते हैं बॉल बेयरिंग, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया 62 ये कौन सा है, 63003, अब वो पुराने बेयरिंग पे 63003 लिखा होगा तो आप उसको देख के पहचान सकते हैं कि 63003 का बेयरिंग है, इसे 63003 का बेयरिंग चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए, खोल के बता देता हूँ मैं आपको इसको बॉल बेयरिंग को, ये इसको कहते हैं बॉल बेयरिंग, दोनों साइड से ऐसा होता है, इसको कहते हैं बॉल बेयरिंग। ये 63003 का बॉल बेयरिंग NBC का है, ठीक है। इसे पैक करके मैं फिर से रख देता हूँ। आपने देख लिया बॉल बेयरिंग और टेपर्ड बेयरिंग कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। और भी अलग तरह के बेयरिंग आते हैं, पर मैंने अभी आपको स्टार्टिंग है और आपके शुरुआत है, इस हिसाब से मैंने आपको बताया कि आप टेपर्ड और ये बेयरिंग जो नॉर्मल पर्पज़ में यूज़ होते हैं, ये दोनों बेयरिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये जो बेयरिंग होते हैं, जैसे कि आपने देखा ये बॉल बेयरिंग, अब इसमें सिंपल सा नंबर है 63003, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक जेड आता है और एक डबल जेड आता है, ठीक है। जेड मतलब सिंगल पत्ती और डबल जेड मतलब डबल पत्ती। अब सिंगल जेड कैसा आता है, ठीक है, सिंगल जेड वाला मैं आपको बताऊँ, ये देखो 63003Z, ठीक है। इस नंबर का कोई भी पुराना बेयरिंग आएगा तो उसमें क्या फ़र्क होगा, मैं आपको बता देता हूँ। 63003 का जो बेयरिंग होगा उसमें देखिए एक साइड ऐसा है, ठीक है, दूसरी साइड पे एक है, यानी कि सिंगल पत्ती है, ये सिंगल जेड बेयरिंग बोलते हैं इसको, और इसके ऊपर नंबर लिखा होगा, आप उस नंबर से पहचान सकते हो कि पुराना बेयरिंग लेके आया है, उसको ये बेयरिंग चाहिए तो उसे वो बेयरिंग देना होगा, ठीक है। और हर NBC के प्रोडक्ट के ऊपर MRP होती है, और उसके आपको हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपडेटेड रहना है, आपका पुराना माल पड़ा हुआ है, ठीक है, और आप नया माल ही पुराने माल को पुरानी रेट में बेच रहे हैं तो आप बहुत लॉस में आएंगे, क्योंकि अभी नया जो अपडेशन आ गया है NBC में, अपडेटेड जो भी लिस्ट है उसमें 100 रुपये का डिफरेंस है, मतलब कि आप 100 रुपये उसे कम में बेच देंगे तो फिर आप जो भी नया परचेस करेंगे उसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, इतना मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब आपको बताता हूँ डबल जेड वाला बेयरिंग, ये 63002ZZ है, ठीक है। डबल जेड मैंने आपको बताया, डबल जेड डबल पत्ती होता है, इसे भी खोल के बता देता हूँ मैं आपको, ये डबल जेड का बेयरिंग है, बहुत ही अच्छी पैकिंग में आता है ये, ये देखिए ये बॉल बेयरिंग 63003 का डबल जेड, ये दोनों साइड से पैक होगा, इसको डबल जेड बेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। सिंगल जेड और डबल जेड, बॉल बेयरिंग, टेपर्ड बेयरिंग, ठीक है, आपको इतना तो पता पड़ ही गया होगा। और नंबर लिखे हुए होते हैं हर बेयरिंग के ऊपर, तो उससे आप उसे बेच सकते हैं इजीली, और जो नंबर की रिक्वायरमेंट आती है उसे अपने दुकान पर रखिए और इसी तरीके से उसे बेचना होगा, ठीक है, आपको बता दिया। अब मैं बता देता हूँ आपको ये जगह 63007, अब ये 63007 63 से आपको पता पड़ गया कि बॉल बेयरिंग है, ठीक है। अब बॉल बेयरिंग होने के बाद में हुआ ये कि आपको इसे खोलना है, ठीक है, खोल तो आपने लिया। अभी आप सोच रहे होंगे ये N का मतलब क्या है, ठीक है, N का मतलब बता देता हूँ मैं आपको, ये N का मतलब है,
एन का मतलब है ये लॉक। ये लॉक वाले जो भी बेरिंग आते हैं वो एन नंबर के होते हैं। इसके इधर लॉक लगती है, ठीक है ना, वो आगे किसी उसके जो फिटिंग वाला जो सिस्टम होगा, जो जिस कंपोनेंट के साथ ये जुड़ रहा होगा उसमें लॉक लगी हुई होगी, इस वजह से यहाँ पे लॉक आता है। ठीक है, अब ये बेरिंग हो गया एन वाला। ठीक है, अगर कभी आपको बेरिंग, जैसे कि इसके अंदर एक बहुत अच्छा बेनिफिट बताता हूँ, अब जैसे कोई कस्टमर आया 6307 लेने के लिए, ठीक है, आपके पास पड़ा हुआ है 6307 का बेरिंग नहीं पड़ा हुआ, आपके पास पड़ा है 6307N का बेरिंग पड़ा हुआ है, तो आप उसकी जगह इसको ये भी दे सकते हैं। उसको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, उससे पर मत बताइए कि आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन उसे ये दे दीजिए, तो इससे आपका भी फायदा हो जाएगा और आपको रखना भी नहीं पड़ेगा डब। वैसे तो आप रखिए, अगर नहीं होता है तब ऐसे भी काम चल सकता है। ठीक है, तो ये आपके बेनिफिट की एक बात बता दी मैंने कि आप इस तरीके से भी कस्टमर को टैकल कर सकते हैं कि अगर सिंपल नंबर का ना हो कि ZZ में पड़ा हो तो आप ZZ वाला भी दे सकते हैं, बस नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, ZZ वाला पड़ा है तो ZZ की जगह ZZ भी दे सकते हैं, और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से दीजिए तो अच्छा रहेगा, थोड़ा उनको बेनिफिट रहेगा, उसी हिसाब से रेट लगेगी। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा फटाफट समझाने की कोशिश की है क्योंकि आज शुरुआत है। ठीक है, और अब देखिए ये 2018 की पैकिंग है। ठीक है, इसके ऊपर 445 MRP है। ठीक है, NBC की बेरिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए कि MRP to MRP लेने की कोशिश करिए। ठीक है, अब ये 445 है तो इसे आप 445 की जगह आप 420 में भी बेच देंगे तो आप नुकसान में नहीं रहेंगे, लेकिन कस्टमर को लगेगा कि मेरे से कुछ कम लिया। ठीक है ना, अगर आप 440 में ही या 445 पूरा लोगे तो उसको लगेगा मेरे से पूरा पैसा ले रहा है। ठीक है, तो आप 10-20 रुपये कम करके दे दीजिए, तो उससे आपका भी गुडविल बनी रहेगी, उनको लगेगा कि भाई कस्टमर से हम अच्छे आप रिलेशन मेंटेन करते हैं तो आपसे वो परचेस करने के लिए फिर से आएगा, आपकी दुकान पे फिर से चलेगा। अगर आप MRP to MRP लेंगे और किसी दूसरे दुकान ने 20 रुपये कम बता दिए तो वो उसके वहीं जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको NBC का मैंने बता दिया, NBC के बेरिंग कैसे आते हैं और ये सबसे कॉस्टली होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 6302ZZ। ठीक है, 6302ZZ ये 167 रुपीज़ का है। ठीक है, तो आप इसे 160 में बेच सकते हैं क्योंकि छोटा बेरिंग है, इसमें मार्जिन बहुत कम होता है। हमेशा याद रखिए, एक ओरिजिनल चीज़ में मार्जिन बहुत कम होगा, और अगर लोकल और कम ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है तो उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होगा, ये हमेशा याद रखते हुए चलिए कि इसी ये बेरिंग में हम बहुत मार्जिन कम रहता है। ठीक है, और अगर हम दूसरी कंपनी का बेरिंग बेचते हैं उसमें मार्जिन बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, अब मार्जिन की बात आती है तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो मैं कहीं पे भी डाल सकता हूँ, मैं अपने YouTube पे भी डाल सकता हूँ, कहीं पे भी डाल सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसका MRP तो बता दी मैंने, लेकिन मैं इसकी आयु रेट नहीं बता सकता क्योंकि इसमें कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा हमारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड लोगों में। अगर आपको ये सब जानना है और आपको रियली अगर आपको ऑटोमोबाइल का बिजनेस खड़ा करना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन करिए। ठीक है, वहाँ से सीखिए, इसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा। जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है उन्हीं लोगों के लिए मैं ये फैसिलिटी रखता हूँ और उन लोगों को बता दूंगा कि उनको कौन कौन से बेरिंग रखने हैं। ठीक है, वैसे तो आपकी जो, ठीक है, मैं अपने वाला वीडियो बना के आपको बेरिंग बता दूंगा कौन कौन से बेरिंग रखने हैं, और मैं आपको अपडेटेड जो भी प्राइस लिस्ट है अभी 2019 के NBC की जो बेरिंग की प्राइस लिस्ट चल रही है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, तो आप इससे अच्छा खासा जान सकते हैं। ठीक है, और आपको NBC का भी नॉलेज हो गया। ठीक है, इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहिए और धन्यवाद, आपका कोर्स शुरू होता है आपसे। ठीक है, थैंक यू।